हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं धोती सलवार का नाप। हमारे पास कमेंट आई है कई कि धोती सलवार का नाप ठीक से समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हम इस छोटे कपड़े पर बताएंगे। वैसे हमने अच्छे से कागज़ में समझा दिया है, फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो हम इस पर बताने वाले हैं कि जैसे ये हमारा कपड़ा है, देखिए ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है। यहाँ से इसे हम इतना कट कर लेंगे सबसे पहले, और ये कपड़े का अर्ज है, ये कपड़े का अर्ज है, ये कपड़े की लंबाई है। तो सबसे पहले हम दो लेयर में कपड़ा रखेंगे यहाँ से इस तरीके से। देखिए एक बार फिर से बताएंगे कि ये कपड़ा अर्ज है और ये कपड़े की लंबाई है, और इसको इस तरीके से दो लेयर में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसे दो लेयर में रख लिया है। अब एक कॉर्नर को उठाकर और इसके इस तरीके से रख लेंगे यहां से, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो इसमें से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। इस तरीके से अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, लंबाई हमें अपनी इधर से लेनी है जिधर हमें आसन बनाना है। तो बेल्ट के लिए लंबाई ऊपर छोड़ दें, मान लीजिए 8 इंच की हमारी बेल्ट है, तो यहां पर हम फ्रंट में छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने यहाँ 8 इंच की बेल्ट है तो यहाँ पर छोड़ दिया है, और यहाँ से हमें इधर की साइड से अपनी लंबाई लेनी है। मान लीजिए आपकी 42 या 43 या 40, जो भी आपकी लंबाई है वो यहाँ से लें, इधर की साइड से, आसन वाली साइड से लें यहाँ से। और देखिए यहाँ पर हमें आसन लेना है। आसन हम नॉर्मली जैसे लंबाई लेते हैं आसन की, बेल्ट का आसन का नाप छोड़ के लेते हैं, 8 इंच की हमारी बेल्ट है तो इसमें हम 8.5 इंच लेंगे। इस तरीके से यहां से जो हमें अंदर की तरफ लेना है वो हमें 3 इंच लेना है, उससे कभी सलवार नहीं उचकेगी। इस तरीके से हमें इसका लेना है आसन, और यहां पर हमारी ये बेल्ट होगी। तो बेल्ट से हमें लंबाई इस तरीके से नापनी है, और आप इसमें अगर मोहरी बनाना चाहती हैं तो यहाँ से इस तरीके से कट करके, वैसे हमने वीडियो में बता रखा है, लेकिन नाप की दिक्कत आती है, वो नाप सही यहीं से लिखता है अंदर की साइड से, क्योंकि बाहरली साइड तो हमारी ओरे में होती है, तो वहाँ से तो काफ़ी लंबा कपड़ा हो जाता है, तो हमारा नाप यहाँ अंदर की साइड से लिखता है। अगर आप मोहरी वाली बनाना चाहती है तो यहाँ से कट करें, आसन वाली साइड से ही कट करना है यहाँ से, और यहाँ से अपनी लंबाई का नाप लें हमेशा, और आसन इसका 3 इंच ही रखें ताकि सलवार उचकेगी नहीं, और ऊपर बेल्ट से, और ये पूरा नाप इस तरह से लें। अगर आपको हमारा ये समझाने का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।